हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आर्थिक समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या के कितने रूप होते हैं और हम जितने भी आर्थिक समस्याएं होती है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, सॉरी केंद्रीय समस्याएं, हम उसको डिफाइन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आर्थिक समस्या क्या है? इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक समस्या। तो कहने का मतलब है सीमित साधनों से, साधन क्या होता है, इंग्लिश बोलते हैं रिसोर्सेज, मनुष्य जो कमाता है ना, वह अपने जो कमाई है वह मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है, वह मुद्रा जो है ना रिसोर्स या साधन कहलाता है। तो साधन सीमित होते हैं, लेकिन सीमित साधन से जो हमारी आवश्यकताएं होती है ना वह असीमित होती है। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं। इसको जरा सा अपने भाषा में हम डील करना चाहेंगे। ये सीमित साधन क्या होता है और सीमित आवश्यकता क्या होती है कि हर व्यक्ति का जो है ना, जो जहां भी काम कर रहा होता है उसकी जो इनकम होती है, उसकी जो आमदनी होती है वह लिमिट में होती है। मान लीजिए आप एक बैंक का क्लर्क है, आप बैंक का मैनेजर है, यदि क्लर्क है तो आपका सैलरी सपोज 20,000 है, आप मैनेजर है तो आपका सैलरी 50,000 है। ये लिमिट में है 50,000। और खास बात क्या है कि जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है ना, ऑटोमेटिक एक्सपेंस जो है आपका बढ़ना शुरू होता है, आप एक्सपेंस को रोक नहीं सकते हैं। तो कहा गया है, मान लीजिए आप बैंक का मैनेजर हैं, तो आपका जो इनकम है ना वो 50,000 पर मंथ है, तो इनकम तो फिक्स हो गया, 50,000 ही पर मंथ है। अब है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, रहन सहन होगा आपका, उसी इनकम के हिसाब से होगा। तो आप चाहेंगे कि हम कैसे इस 50,000 में जो है ना अपने पूरे परिवार का जो है देखभाल करें हम, ताकि कोई समस्या नहीं आए। वही कहा गया है। दूसरी बात क्या है कि जो जितना बड़ा होता है ना उसको पैसे की आवश्यकता उतनी अधिक होती है। एक मजदूर है उसकी आवश्यकता कम होती है, एक सरकारी कर्मचारी है मध्यम वर्ग का, उसकी आवश्यकता भी सीमित होती है। यदि कोई बड़े पद का अधिकारी है ना तो उसकी आवश्यकताएं सीमित नहीं होती है, क्योंकि यदि आप बड़े स्टार हैं, आपके पास आपका इनकम काफी अधिक है, तो आप हवाई जहाज में सफर करना चाहेंगे, आप एसी में सफर करना चाहेंगे। ऑटोमेटिक है कि इनकम के हिसाब से आपकी खर्च जो है ना, आपका जो खर्च है वो बढ़ जाता है। कहा गया है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अतः हमारा जो इनकम है, हमारा जो कमाई है वह सीमित है, लिमिट में है, उस कमाई से कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे यह बड़ी समस्या है। और खास बात क्या है कि आवश्यकताएं जो है ना लिमिट में नहीं होती है, जैसे ही एक आवश्यकताएं पूरी होती है वैसे ही नई आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है। कहने का मतलब है यदि आप किसी चीज को खरीदने के लिए परेशान है, सपोज दैट आपको जो है ना, आपकी इच्छा है कि एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी है, यदि आप खरीद लेते हैं तो आपको क्या लगता है इसके बाद कुछ नहीं खरीदना है आपको? ऐसा नहीं है। जैसे ही आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं ना, तुरंत आपकी जो इच्छा होती है कि काश इससे जो है ना अच्छी गाड़ी हमको मेरे पास होती, मतलब जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है तुरंत नई आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है रिसोर्सेज वाज लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। कहने का मतलब है साधन सीमित होते हैं लेकिन उनकी आवश्यकताएं जो होती है ना वह असीमित होती है। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत बड़ी समस्या है, इसे ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स, केंद्रीय समस्या, आखिर यह होता क्या है, उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो सबसे पहले कहा गया है कि केंद्रीय समस्याएं जो होती है ना वो सबके बीच लागू होती है। तो इसका उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो है कि आवश्यकताएं असीमित होती है, और दूसरा है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है, और तीसरा है कि साधन जो होते हैं ना वो सीमित होते हैं और दुर्लभ होते हैं, चौथा है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, पांचवा है कि चयन या चुनाव की समस्या का जन्म होता है। तो कहने का मतलब है कि असीमित आवश्यकताएं, तो हमने इससे पहले ही आपको समझा दिया है कि असीमित आवश्यकताएं क्या होती है, मतलब इच्छा किसी का भी जो है ना लिमिट में नहीं है। यदि आप कोई भी काम करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, भोजन खाते हैं, तो क्या आप उस भोजन से संतुष्ट हैं? आपकी इच्छा होती है काश इससे अच्छा भोजन मिले। जो कपड़ा आप पहनते हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं। यदि पैसा हो तो आप और अच्छे कपड़े पहनना चाहेंगे। तो ये आवश्यकताएं सीमित नहीं होती है। फिर आगे कहा गया है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। तीव्रता का मतलब है यहाँ पर कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है
जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका इनकम 10,000 रुपया महीना है और आपने पहले से सोच के रखा है कि जैसे ही 10,000 रुपया वहां से आएगा, हमारा सैलरी मिलेगा मुझे, मैं 10,000 में हमने प्लानिंग कर लिया है कि 10,000 में 2,000 रुपया जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करूंगा, 2,000 रुपया जो है घर के लिए खर्च करूंगा, 2,000 रुपया बचा कर रखूंगा और 2,000 रुपया जो है अपने खर्च में रखूंगा। लेकिन जैसे ही आपको सैलरी मिलती है और घर में कोई बीमार हो जाता है, जैसे ही बीमार हो गया तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इलाज करवाना आवश्यक है। वही कहा गया है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होती है। तीव्रता का मतलब है कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। फिर आगे है कि सीमित दुर्लभ साधन, साधन सीमित होते हैं और दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ का मतलब है कि जो कि बहुत ही मुश्किल से आपको प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति इतनी आसान नहीं होती, यदि आसान होती तो आज की डेट में हर किसी के पास पैसा होता, लेकिन धन प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम होता है, खास करके सही तरीके से। वही कहा गया है कि साधन सीमित होते हैं और दुर्लभ भी होते हैं। और फिर आगे कहा गया है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। वैकल्पिक का मतलब है कि आप किसी भी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपके सामने में ऑप्शन होता है। यदि आप कपड़ा खरीदते हैं, यदि आप चावल खरीदते हैं, आप जो है कुछ भी खरीदते हैं ना, तो आपके सामने में ऑप्शन होता है, विकल्प होता है कि आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे के हिसाब से आप किस रेंज का वस्तु खरीदना चाहेंगे, ये ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं वैकल्पिक प्रयोग। एग्जाम्पल के लिए यदि आप और भी अधिक समझना चाहते हैं तो जैसे ही आपने मैट्रिक पास किया होगा, आपके सामने में ऑप्शन है कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आपको क्या पढ़ना है, आपने च्वाइस किया आपको कॉमर्स पढ़ना है, किसी ने च्वाइस किया हमें साइंस पढ़ना है, ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं वैकल्पिक। इसी तरह से साधनों के क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। फिर आगे है चयन या चुनाव की समस्या। ये केंद्रीय समस्याएं के जो है ना 5 रूप होते हैं। चयन का मतलब है कि आप क्या करते हैं, आपको जो सैलरी मिला है ना, इस सैलरी में से आप सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं कि पहले हम किसको सबसे पहले किस आवश्यकता को पूरा करें हम। इसे भोजन करना बहुत ही जरूरी है, तो सब सारा काम छोड़ के आपको जो है ना भोजन पर सबसे पहले खर्च करना होगा। यदि रुपया नहीं भी है तो आपको किसी से कर्ज लेके भोजन पे खर्च करना होगा। यदि कोई बीमार है उसका इलाज करवाना जरूरी है। फिर जो है ना कपड़े की बारी आती है, फिर जो है घर की बारी आती है। यदि आप इस 3 चीज से निपट लेते हैं फिर आप आगे के बारे में सोचते हैं, कुछ बचाना भी है। तो ये जो है ना साधन सीमित होने के कारण हम क्या करते हैं, साधनों का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, इसी बोलते हैं चुनाव की समस्या का जन्म। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स में कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, आपको 90%+ मार्क्स आना चाहिए।